झरोका की ये कार्यक्रम साथियों रूबरू हम फिलहाल बैठे हुए हैं राखी राखी में, और यहाँ पर आज हम एक ऐसे सज्जन से बातचीत करने वाले हैं जो काफ़ी अरसों से यहाँ पर है, और इनका नाम है राम कुमार। सबसे पहले स्वागत करते हैं अंकल राम कुमार जी, आपको मेरा जय श्री सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। अच्छा, अपने विषय में बताएं, अपने माता पिता के विषय में बताएं कि वो कहाँ के थे, और आप और कुछ अपने जानकारी दें अपने विषय में। जी हाँ, भारत देश से हमारे आजा जी फिजी द्वीप में आए थे। ये आठ भाई थे, पांचवा आया हमारा आजा आया था। हाँ। उनका नाम था छत्तर। छत्तर। तो पिता से बड़ा एक दादा रहा, रतन नाम रहा। फिर हमारे पिताजी थे, कन्हई नाम था, एक काका रहा रामधनी नाम का, और पुआ थे सुदामा और जासा, बिफैया और ननकी। अच्छा। ये चार बहन थे और तीन भाई थे। तो ऐसे चलते चले तो आए। अच्छा, जब आजा लोग आ रही तो कहाँ सबसे पहले आ गए, यहीं बसे रहे? नहीं, ये लोग कुछ दिन नौसौरी रहे। हाँ। फिर उसके बाद में यहाँ रेकी रेकी आए। रेकी रेकी आई, ननुकू में थे। ननुकू में रहे। हाँ, तो ननुकू से फिर नारिया आए। तो आपके पैदाइश कहाँ भाई? नारिया। नारिया। हाँ, यहाँ से बहुत दूर। और ये गांव के नाम? यहाँ के नाम है रारापातू। रारापातू जी। अच्छा, तो यहाँ पर आए आप फिर, मैंने आपके पैदाइश ननुकू में भाई? नारिया। नारिया में भाई। अच्छा, नारिया से। तो यहाँ पर आप फिर बाद में आए कि शादी ब्याह? यहाँ नहीं, आपके पैदाइश के बाद में फिर स्कूल स्कूल गए? दो महीना गया स्कूल। आए दो महीने। कौन स्कूल गए? पिनेंग। पिनेंग। जी हाँ, दो महीना खाली। दो महीना, और ऐसा दौरान हुआ कि पोजन मछली खा लिया गया। हाँ। तो घर भर सब पोजन हो। अच्छा। के शिकार हो गए, पोजन हो गए सब। हाँ, तो उस समय यहाँ रखी रखी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर सिम सिम था। हाँ। वो सबको चेक करा, सबको भर्ती कर लिया। गरीबी था, हमने सोचा हम भी है स्प्रिंग वाला खटिया पे सूते। हाँ। लेकिन वो डॉक्टर सिम सिम बताया, वो तुम्हारे कहीं कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले ना? कुछ नहीं। वो तो आप बच गए रहे। हाँ, और खाया था हमने बहुत कुछ। तब तो मुझे मालूम भैया कि हमें पॉइजन नहीं चढ़ता है। फिर अच्छा। उसके बाद में हमारा संग साथी परिवार से कितने खाए, सबको पॉइजन हो गया, हम वैसे ही बरकरार हैं। अच्छा। हाँ, तो आज तक ऐसे ही चल। कितना उम्र रहा उस टाइम जब पॉइजन मछली खाए रहे? नौ साल के रहा। नौ साल के। नौ साल। अरे। हाँ। तो फिर फिर स्कूल तो नहीं पढ़े ना? ना, बस छोड़ दिया गए। हाँ। कुछ खेती बाड़ी रहा उस टाइम? हाँ, गन्ना खेती रहा, नारियम भारी खेती रहा ना। तो फिर वही खेती बाड़ी में जुटा। तो रामलीला में पुराना पुराना फिल्म के बुक बिके गाना, तो अच्छा तो वो सिंगल थोड़ा थोड़ा जानत रहा। हाँ। मात्रा उतरा तो नहीं जानत रहा। हाँ। तो फिर बड़ा कोशिश की आपने आप ना सीखे के। हाँ, तो सीख लिया हिंदी, मैंने ठीक हासिल कर लिया ना। अच्छा। हाँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश अभी वही जोर जाड़ के मैंने बोल रही थे ना। हाँ। मैंने कुछ अंग्रेजी भी सीख लिया। हाँ जी हाँ। Yes, no, very good. हाँ हाँ, बस एकदम। हाँ। अच्छा, फिर शादी ब्याह? फिर शादी विवाह फिर किया 1954 में। 1954 में। हाँ। और अभी कितना उम्र है आपके? अभी वैसे तो वो उस समय ऐसे था, तीन तीन चार चार साल हो जाए तब जाके लिखावत रहे। हाँ, हाँ, हाँ। तो लास्ट में लिखा फिर 1937। हाँ। तो तीन साल एकदम सफा मिस हो गया। अच्छा। हाँ, तो 37 से। हाँ। तो आप जोड़ा जाए तो 86 हुआ ना। हाँ, वैसे लगभग 88-89-90 के। हाँ, तकरीबन 90 साल के ना। जी हाँ। तो 90 साल की उम्र में अभी भी आप एकदम, हम देख रहे हैं कि बड़ा तंदुरुस्त है आप। जी हाँ। और कुछ तो खूबी हुई। हाँ, अभी तक ऐसा कोई बीमारी नहीं मेरे पास है। हाँ, आप लोग कृपा है, ईश्वर के परम दया है ना। और अब कोई बीमारी नहीं मेरे पास नहीं ना। हाँ, और सुबह हम रोज। हाँ। ये तो बहुत दिन हो गया, लगभग हम 12 साल के रहा तब से हम एक चीज शुरू किया। वो क्या? हाँ। बासी मुंह पानी पीता। हाँ, हाँ। 1 लीटर एवरी डे।
एवरी डे उसके जो असर है बहुत अच्छा आपके, मैंने सब सुबह उठते सवेरे उठते तो एक जग में पानी पूरा। हाँ हाँ पूरा। अच्छा पूरा। आज भी हाँ, फिर हमें दिन भर भोजन ना मिले तो कोई हर्जा नहीं। हाँ, बिकॉज पानी काफी चला जाए। हाँ, ना हाँ, तो हमारे लोग के मुख में बहुत दवा है। हाँ, अगर ये बासी थूक कोई घाव रहे उसमें तुम लगाए दो तो घाव अच्छा हो जाए। अच्छा, तो अंतःकरण के जो है पेट का, हाँ, ये बहुत भारी दवा है। अच्छा। ये, हाँ, और हम इसके खूब अंदाज करके देखा है ना, आज तक कोई रकम तकलीफ ही नहीं हुआ हमें ना। ऊपर लग गया से कुछ नहीं। खाना पानी सब बराबर खाया? हाँ, तो सुबह भोजन अभी नहीं करता हम। हाँ? कभी नहीं, अब भी थोड़े देर ही देर हुआ हम भोजन किया थोड़ा। हाँ, ये तो बहुत दिन हो गया, बहुत अरसे से हम ये नहीं सुबह भोजन नहीं करता। मैंने दो टाइम खा लिया। हाँ, और फिर ऐसे हमारे जो ये दौरान है, हाँ, मसाजिंग, तो सुबह लोग आ जाते हैं वो। तो आप क्या मसाज भी करते हैं? जी हाँ, स्ट्रोक वाला। अच्छा। उखड़ा है कोई रकम, चौवा गाय लोग बच्चा नहीं दे सके, दही बाहर हो जाए। हाँ? और वैद्य के काम भी? जी हाँ हाँ, और अभी जितना। अच्छा, अंकल हम लोग पारी पर आप चली। हाँ, अच्छा, मसाजिंग में जैसे कोई, जैसे आप बोला स्ट्रोक मार दिया। हाँ, या कोई के गोड़ उखड़ गए। जी हाँ, तो वो आप बैठा देता? हाँ जी हाँ। अच्छा। हाँ, ये तो शोल्डर कंधा उंधा सब एकदम कंप्लीट सब मसाज करके बैठा था? हाँ, मसाज करके। हाँ। और फोड़े भी आप? हाँ जी हाँ, हर एक पार्ट हम फोड़ता ना। कमर की बीमारी? जी हाँ हाँ। अच्छा। तो बात में बहुत से ऐसे है। कहाँ सीखा आप? बस ऐसे ही करते करते जैसे एक विषय बात आ जाता है। हाँ, कि अगर एक चीज आपके समझ में आता हो। हाँ, तो दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा। जी, जी। अगर समझ में नहीं आया तो बलवा बूढ़ होएगे बछुए नाम रह जी। बछुए नाम रह जी, सही बात है। हाँ, हाँ, तो ऐसे करते करते और ए, और अंदर अंदर सब हाँ जगह हुआ। फिर आप हाँ, वही 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 रकम से आप चलते गए, सीखते गए। जी हाँ, कई सौ लोगों के भी आप मसाज करे? अरे पूछो नहीं, गई ये हो गया लगभग 70 ईयर्स से ऊपर हो गए। 70 साल से मसाज करता है? हाँ हाँ। आवे दूर दूर से आदमी लोग? वहाँ सब बगल फिजिक राइट रोन ओवरसीज के भी कौन जगह नहीं, एकदम ओल्ड वाइट जानो। अच्छा। हाँ, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, कहाँ कहाँ के लोग। बहुत जने के पेट के नारा और उखड़ जाए। जी हाँ जी हाँ, सब तो उसके कुछ मसाज करके कोई नस से। हाँ, नस से इस चीज से हम नापता है ना, टोइन से नहीं नापता ना। हाँ, तो ये रेखा है, रेखा है। ये जो नारा तल विचल होता है तो हाँ, ये भी कर सकता है। अच्छा। तो जब ऐसे हम देखेंगे हाँ, तो चार जब ऐसे बराबर यहाँ से लेंगे हाँ, तब जानो सही है। वैसे तो अपना अपना उखड़ा रही, आधा इंच है, कोटा इंच है। हाँ, तो सब नस फोड़ेगा वो अपने आ जाए ना। अच्छा। नापेगा तो आराम है ना। ये तो हमारा निजी का काम है ना, डेली अब यही काम। जी हाँ, चौवा आदमी के। अच्छा अच्छा, मान लिया जब चौवा बहुत गिरा, गोड़ टूट गए, वो भी बैठाई सीमेंट करता हम। हाँ? हड्डी जोड़ के। हाँ? तो सीमेंट करता आदमी लोग के भी टूट जाए, उड़ के भी चौवा लोग के सब सीमेंट। अच्छा, आदमी गोड़ भी टूट जाए वो भी सीमेंट करता? जी हाँ। साथियों, आज हम एक ऐसे सज्जन से बातचीत कर रहे हैं, अब रूबरू देख रहे हैं जरों का। अच्छा, अकल ही बात बताओ हमें। हाँ। तो अच्छा, मान लिया जैसे एक बछुआ है ना। हाँ। अच्छा, उसे चोटाई गए। हाँ। है ना, तो उस अब लंगड़ के चले रहे। हाँ। तो कैसे आप उसके, आई मीन आदमी के तो वो तो बात कर ले, पर चौवा तो बात नहीं करे, तो उससे कैसे कम्युनिकेशन करता? जी हाँ, तो सब जीव का मास्टर मनुष्य आदमी लोग है ना। आदमी है ये, बोलता है। हाँ, और समझता है ना। हाँ, और इसी में हम रहता है तो बहुत ऐसे अंदाजा, बहुत से हाँ, अंदाज करके सब उसके बारे में जान लेता है ना। हाँ, कि इसके ईद तकलीफ है। चौवा लोग भी जब तकलीफ हो तो कह रहे हैं बेचारे ना। हाँ, तो उनके शरीर में जगह जगह देखता है, छूता है, तो जो जगह उसके गड़बड़ी है झटकेगा हाँ, ना। हाँ, तो इससे अंदाजा हो जाता है यहाँ इसके गड़बड़ी है। पैर टूट जाता है तो ऐसे हो जाता है, उसके खींच के ऐसे बराबर करते हैं ना। हाँ हाँ, बराबर करके तब सीमेंट लगाता है, पानी गरम करके। हाँ, उसमें भिगो भिगो के पूरा सा प्लास्टर। हाँ, एकदम। तो कितना रोज तक फिर रहे जब तक जुड़ न जाए? 6 वीक।
छह हफ्ता जो छुराज के रहा उसके शादी में गाय मिला रहा बछिया, तो कई तीनों पत्थर मार दिए यहाँ टूट गया। हाँ। अब बड़ा भारी तो कोई बगले खोरो है वो ईमानदार है तो सब बताए नहीं जो जो नहीं बचेगी हम लोग को दे दो, हम लोग कुछ पैसा दे दे दो हम लोग खा ले। बोले नहीं है। तो जो शिवराज हमें काका बोले हमारे भैया का लड़का है ना है। वो आई हमारे लगे बड़ा हाथ जोरी से एकदम रोवे लगा उसके तो जानो कामे है ना। तो हम बोला अच्छा घबराए नहीं बेटे चलो हम देखें ना, बगैर देखे हम क्या बता सकेगा ना। तो आया देखा बोला अच्छा राइट सब चीज मंगाया कुछ सीमेंट रहा घरे, फिर जो शिवराज से बताया एग्रीकल्चर गया वहाँ से कुछ लेकर आया 3 इंच 4 इंच ऐसे सब ना सब लाए के फिर सब बाल बनाया चौवा के। हाँ हाँ सब बाल बना के खींच के गाय के सीधा करा, सीधा करके लगाया सीमेंट और फैन हम बोला लिटवाया जोड़ दो और हवा मांगे करे उसमें ना ताकि जल्दी उठाए। अच्छा बछुआ बैठा है। हाँ के गिराए दिए रे ना गिराए के गिराए गिरा बांध के एकदम सॉलिड ना कि हिले हिल नहीं पावे ना। साफ सीमेंट लगाए के फिर और उसके हवा देते गया ना पूरा अंदाज करा ठोका ये मजबूत हो गया ना अंदर का भी पता लग जाए ठोके से ना। तो राइट अब खोलो खोल दिया के आराम से वो खड़ा हो गया। अच्छा यहाँ से अब इसको बाहर नहीं जाने देना मोड़ी वगैरह में कूदेगा तो सके डैमेज है। संतरे रखो ये रखे रहो ग्रास भूसा इसके दिया करो। इस 6 हफ्ता बाद हम आएंगे। 6 हफ्ता बाद गया हम उसको काट के सब निकाल के सेट हो गया एकदम अच्छा। हम बड़ा अभी भी इसके नहीं जा देना 3 हफ्ता और रोको इसके। हाँ फिर वो गाय बहुत बच्चा दी है। अच्छा अब भी जल्दी मरी है यार। हाँ तो ऐसे ऐसे हमने बहुत कार्य किया ऑपरेशन करके बच्चा भी निकालते हैं। अच्छा जी हाँ ये कैसे ऑपरेशन करे। हाँ पेट वो पेट ऑपरेशन करके सीजेरियन बैथ ये देखो ए साइड अब जैसे खड़े हैं हम ना। हाँ तो ए साइड जो है ये सब ग्रास वाला है। हाँ और इधर दाहिने साइड जो है अगर मुंह इधर के हो तो जान लेना राइट साइड पेट के। हाँ वो सब पानी वाला है और बच्चे रहे लेफ्ट साइड में ना ये गाय के अंदर। जी हाँ तो हम लोग उस जगह जाने बहुत कमती ब्लड निकलेगा आए बहुत कमती खून निकलेगा। हाँ 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 तो निकाल के लगभग एक फुट ऐसे चीर के और बच्चा निकालेगा ना। हाँ 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 बच्चा निकाल कर फिर 4 प्लाय होता है तो अलग अलग सीएंगे सब सी के और बच्चा ला थैली अंदर उसके भी सी के। अच्छा ताकि दूसरा बार फिर वो बच्चा तो कितना लंबा ऑपरेशन करे पड़ेगा। नहीं लगभग एक फीट। हाँ फिर उसके सूजा। हाँ हाँ सी ए खातिन कुछ कोई रकम की डोरी। हाँ हाँ डोरी नायलॉन कपड़ा नायलॉन कपड़ा। हाँ अच्छा उससे सी जी हाँ वो नहीं काटेगा भी नहीं हाँ। और मुलायम रहेगा ना। हाँ। फिर वो लगभग 1.5-2 महीना में वो अपने गल जाता है ना। हाँ ये तो हमारे दौरान में ऐसा हुआ है ना तब हमें मालूम होते गया ना। मैंने एक किया दो किया फिर ऐसे करते करते अरे कई हजारों की बात है बेटे। छरों का किया ये कार्यक्रम साथियों आप रूबरू सुन रहे हैं देख रहे हैं। हमने अभी तक अपने लाइफ में सिजेरियन बर्थ सुना था लेकिन गाय के सिजेरियन कैसे करा जाता है आज हम एक वैद्य जी से बात कर राम कुमार जी से बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हो जाए साथियों इसके बाद में फिर हम और बातें करेंगे। खुशियों में तो सब हमारे साथ होते हैं लेकिन अपनों को खोने के गम में जो साथ देते हैं वो है ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम। पिछले 2 सालों से हमेशा सैम अचारी और उनकी टीम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटे सभी रिलीजन के अंतिम संस्कार को संपन्न करते हैं। ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशन सर्विसेज ऑकलैंड 11 बोल्डरवुड प्लेस विरी मनुकाव। अब यहां इजी पे फ्यूनरल प्लान की भी व्यवस्था है इजी इंस्टॉलमेंट टर्म्स पर एडवांस पेमेंट्स। टू कॉन्टेक्ट ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम कॉल 2788600।
अगर आप फर्स्ट होम बायर हैं और आपके पास 10% डिपॉजिट है, लोटस फाइनेंस आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद कर सकता है। ये कंस्ट्रक्शन लोन, कमर्शियल लोन, बिजनेस वर्किंग कैपिटल और एसेट फाइनेंस में भी मदद कर सकते हैं। लोटस फाइनेंस सेकंड मॉर्गेज और टॉप अप्स के लिए भी जाने जाते हैं। फॉर ऑल मॉर्गेज एंड इंश्योरेंस नीड्स कॉल 09827-6652 और विजिट lotusfinance.co.nz। क्या आप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर की तलाश कर रहे हैं? चाहे रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो, बाथरूम रेनोवेशंस, फेंसिंग या जनरल मेंटेनेंस के लिए आज ही संपर्क करें सैमसन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को। वे 2006 से देश में सेवा प्रदान करते आ रहे हैं। न्यू हाउस कट्स, डेक्स, ड्राइवर्स या फाउंडेशन एक्सकेवेशन के लिए भी आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं। आज ही प्रोजेक्ट मैनेजर सैम से बातें करें, जो कि लाइसेंस्ड बिल्डिंग प्रैक्टिशनर है। 0220619440 पर या 09275-5075 पर या ईमेल करें samsonconst@gmail.com। राम्स ग्रुप्स ऑफ कंपनी और राम्स क्लीनिंग। हे बेबी, कहाँ हो? किचन में। क्या कर रही हो? बाबू, किचन में कोई और क्या करेगा यार? क्यों, बहुत कुछ हो सकता है किचन में, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। ओए, स्टॉप इट। हाँ, ऑल इन वन किचन। यूज योर किचन फॉर कुकिंग एंड अ लॉट मोर। फॉर ऑल योर किचन स्टोरेज रिक्वायरमेंट, शॉप फिटिंग, बिल्ड अप टॉप्स एंड स्टोन टॉप, ऑल इन वन किचन। ये ब्रांड न्यू किचन के साथ किचन रेनोवेशंस भी करते हैं। 2x38 ग्रेसन एवेन्यू, पापटोए। कॉल अमितेश ऑन 02-11-272-306। झरोका के ये कार्यक्रम साथियों, फिलहाल हम राखी राखी में हैं और आज राम कुमार जी से हम बातचीत कर रहे हैं। और आपने रूबरू अभी सुन रहे हैं कि क्या ये कर सकते हैं, क्या कर रहे थे। और अंकल, ये भी बात बताएं, आप मान लिया जाए जैसे कि आप जैसे किसी के स्ट्रोक हो गया या फिर जैसे क्या, तो स्ट्रोक के कितने दिन में लोग को आप राइट कर देते हैं? स्ट्रोक वाले लगातार हम लकवा का, हाँ लगातार हम 8 रोज हम करता है, एवरी डे। हाँ, मान लिया जाए एक आदमी के लेफ्ट साइड लकवा मार दी से, राइट जी हाँ। तो कितना जल्दी मांगो आपके लिए? बहुत, 100 आवर्स के अंदर मंगवाए जाओ, 100 आवर्स के अंदर, नहीं तो नस जितना है सब ऐसे टेढ़ा। ये हमारे परीक्षण में करते करते सबको अंदाज किया हमने, देर हो जाता है सब ऐसे हो जाता है। हाँ, जी हाँ। तो फिर उनके पूरा लगातार 8-10 दिन यही घर पर रखते हैं कि आप जाते हैं? नहीं, उनके घर पे जाता है और कुछ लोग घर पे आते हैं। और कोई अस्पताल में अगर जो हो जाए? जी हाँ, अस्पताल में जाते हैं तो लोग आके ले जाएं आपके? जी हाँ, ले जाएं फिर लाइक छोड़ते हैं ना। और जैसे कि आपने बोला कि पेट के अगर जो कुछ नारा इत्यादि, तो आप तो बताएं, फिर और भी गोड़ ओड़ के जैसे अगर जो पूरा टूट गया है या बिचुक गया है उसको आप क्या? हाँ, सब के याला शोल्डर। हाँ, ये कभी कभी आदमी गिरे हैं तो ये यहाँ चले आए ना। अच्छा, ये शोल्डर खसक जाए? हाँ हाँ, उसको बैठाते हैं हम, तो उसको ऊपर फिर पूरा बैठाते हैं एकदम। हाँ, ऑपरेशन के काम नहीं होता कुछ नहीं। हाँ, कितना आदमी तो लोटोका हॉस्पिटल से छुट्टी लेवा कम बैठाया, डॉक्टर के सामने बैठाया, उनके दिखाई मान हुआ ना। तो अस्पताल कभी आपके बुलावे ये सब? हाँ, बुलावे लोटोका हॉस्पिटल के, सुबह हॉस्पिटल जीभ हम पोड़ता है जाके ना, जीभ। हाँ, वो जो लकवा मारे जब बात बात नहीं कर पाए। जी हाँ, तो जीभ फोड़े से आ जाए आदमी की जबान? हाँ, जुड़ते बोल दें, जुड़ते बोल दें, अगर ताजा है तब, अगर देर हो गया तो। हाँ, थोड़ा देर हो जाता है ना। हाँ, तब नहीं हो पाता है ना। हाँ, तो ये काम है जल्द में हो तो हो। अच्छा, ठंडा के बीमारी अगर जो कोई खो जाए, रमटीजन इत्यादि, जॉइंट पीड़ा, उसके लिए कोई दवा है? हाँ, करते हैं? तेल बनाते हैं हम, 9 चीज का मिश्रण है ना, 9 चीज का ना। हाँ, बता दे कौन चीज़। हाँ, कपूर है, बुढ़ा बाम है, विक्स है, अजवाइन है, मेथी है, गोल मिर्च है, नारियल का तेल है, करू तेल है और स्प्रिट 9 चीज, उसके हम घाम से पकाते हैं। हाँ, आग से पकाएंगे, भाप बन के उड़ जाएगा, उसके जायका निकल जाएगा ना, तो घाम से पकाते हैं उसको, सबका मिश्रण करते हैं एक के बाद एक, कौन कैसे मिलाया जाता है ना। हाँ, और लोगों के यही बतलाते जिनके, आओ बैठो और देखो, शायद हम एक दिन नहीं रहा तो आप लोग के। हाँ, मालूम तो रहेगा ना।
अच्छा हाँ। तो आप कभी कोई यहाँ के किसी को ट्रेन किया? हाँ, जगह जगह दिया है, बट ये फिल्म बहुत कड़ा है, नहीं समझ में आवे लोगों नहीं आवे ना नहीं आवे हाँ, और साधारण चीज पकड़ ले हैं ना हाँ। और कड़ा कड़ा चीज नहीं जान पाए ना। ये सब ईश्वरी देन है ना हाँ। और हम अभी बैठे हैं, अभी हम कुछ नहीं जानता हम तब, लेकिन जब मोड़ आ जाता किसी को देखे तब जुड़ते हमें सब पिक राइट। मान लीजिए आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में फिर चढ़ जाता है कि आप हाँ। उसके क्या कर सकते हैं। जी हाँ, बात ऐसे हाँ। अच्छा राम कुमार जी, ये बात बताएं, अब हम इसमें से निकल कर अब हम थोड़ा कुछ पुराने जमाने में लेकर चलते हैं आपको। जी हाँ। हमें कुछ ऐसे कुछ पुराने जमाने की कहानी या इस गांव में कुछ ऐसे हरतंगेश काम हुआ जो आप हमारे साथ शेयर कर चाहते हैं? हाँ बोलिए हाँ। क्या कुछ पुराना जमाना की कुछ कहानी भाई या कभी आपको याद है? हाँ, जीवन में तो बहुत ऐसे आया, पहले के जो बुजुर्ग प्राणी थे उनका कार्य नित्य का कुछ और था हाँ। वो सुबह उठकर हाँ। और कुएं पे चले जाते रहे, वहाँ पर स्नान करके हाँ। और बड़ा और अंगोछा रखे ना हाँ। उसको ओढ़ कर और बड़ा अपने में जो कुछ बन सके हाँ। बहुत प्रार्थना करें हाँ, हाँ, हाँ। बहुत प्रार्थना करके तब फिर एक लोटा जल लेके आवे वहीं से हाँ। वही वाला पिए हमारा राजा, दूसरा चीज में नहीं पानी पीता रहा वही कुआं के हाँ। वो पहले पूजा करे हाँ, हाँ। तो बड़ा लोटा रहे वो हाँ। लेके आवे वही पिए दिन भर जब प्यास लगे। अच्छा, ऐसे हाथ वात कहीं दे, पीना हो तो वही लोटा जल पिए, पुराना बगैर लोटा के नहीं सके ना हाँ। गांव में कभी कोई ऐसे घटना भय आपको याद है? यहाँ तो हमें लगभग 22 साल हुआ आए, हम 1964 में जमीन रिजर्व हो गया यहाँ नारियाला में हाँ। 37 का जमीन रहा रिजर्व हो गया हाँ। तो हम फिर एक जमीन टाउन से 6 माइल हाँ। कोरोताले ग्राम था ना हाँ। वहाँ एक जमीन लिया, वहाँ पर हम हाँ। लगभग 38 रहा। फिर सब लड़की लोग के शादी कर दिया, एक ही लड़का था, FSC में भेड़ा दिया उसको। अच्छा, इधर काम करना शुरू कर दिया, जब बारिश हो तो कई नदियाँ पार करे पड़े, बड़ा दिक्कत हो, तब फिर इधर आया हाँ। तो हमारा छोटा भैया रहा, उसको बेच कर हमने चलाया, तो कुछ दिन यहाँ लाल मिट्टी और मेरा कोरवांगा और हम जगह को तलाश करता रहा कि कहीं समुद्र के किनारा और रास्ता किनारा मिले। तो बड़ा धन है हमें यहाँ पर मिल गया, हमारे पप्पा के दामाद रामधनी नाम का था ना हाँ। वो हमको दिया है ये जमीन हाँ। अच्छा, हम बोला भाई दाम बोले कुछ नहीं बोले ना हाँ। आप जैसे लोगों के क्या दाम बताएं। अच्छा, तो कितना बीघा है? बस ही कोटा इक्का से ऊपर है थोड़ा ना हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। फिर आया इसमें घर बनाया। जी हाँ, लड़कन बच्चन के यहाँ से भी शादी भी किया कुछ हाँ, यहाँ से भी किया हाँ। और अभी भी ऐसे मछली मारे और चला जाए? जी हाँ, चला जाए थे हाँ। अभी भी जाए थे ना हाँ। केकड़ा वकड़ा हाँ, जाल गिराए थे, कुछ मिल जाए खाए पिए, खाए भर के हाँ। अपन घर के खातिर लेके आए ना। जी हाँ, तो थोड़ा चलने फिरने से स्वास्थ्य अच्छा रहे ना हाँ। इसलिए हम कभी रुकता नहीं, चाहे बारिश हो या गर्मी का मौसम हो, हम चलते रहता ना। नंगोना वंगोना पिए? नंगोना पहले बहुत पिया था, अभी 7-8 साल हो गए बहुत कम कर दिया, मैंने हाँ। कसमे ने खाए हाँ, हाँ। थोड़ा बहुत ले लेते हैं ना हाँ। कौना थोड़ा गर्म वाला हाँ, वो वाला जरूर हाँ। 2-3 रोज में हाँ, एक सर तो ये हमारे हैंडलिंग हमारे देखभाल हमारे पोतीन लोग करे हाँ। उतनी गिरी है लगभग 1.5 इंच। अच्छा, 1.5 इंच तो लगभग 3-4 नहीं बोल हाँ, बस इसके पीले दूर से खाना निकाल दे हाँ। अच्छा, फिर वो बोतल कहाँ रखे उसको बारे में मैं नहीं मालूम। अच्छा, फिर जब जरूरत पड़े तो दे जी हाँ, फिर लाइक उतना गिराए के हमें दे दे ना हाँ। हमारे सब बड़ा सीमित रूप में हम लेते थे ना हाँ। और चलते फिरते रहे, नीम के पेड़ है 2-4 पत्ती ऐसे कूच ले थे। ये नीम के पत्ती हाँ, तो उसके उसके खाने से कौन चीज? वो 52 रोग के वो दवा है, वैद्यराज की उपाधि है नीम हाँ। नीम है और तुलसी पात है, जंगली करेला है, जंगली और खट्टा नींबू है, ये सब वैद्यराज की उपाधि है, और जंगली मिर्चा, जंगली मिर्चा छोटका ना जो ये सब वैद्यराज की। हमारे कैमरामैन कुछ जैसे खरीद के एक खाए लिस रहा,
दुई रोज तक उसके मुंह भबान। हाँ तो बगैर बांध के कसरत करे कोई ना मारे अपने मारे ना। बगैर बांध के कसरत करे कोई ना मारे अपने मारे कोई ना मारे अपने मारे। जो चीज के नहीं है तो उसे गाय ले ना। अच्छा कभी अपने जमाने में कुश्ती इत्यादि लड़े कुछ पहलवानी इत्यादि करे? हाँ कुछ दिन किया ना। हाँ ना कैसे कैसे कुछ पहलवानी में किसके साथ में कभी कोई याद करे? मल्लाव में एक रामा नाम के था पुराना थेटा मुनि लाल के था वहाँ पे लड़ा था हम ना। ठीक है अच्छा बाज रहा? हाँ ठीक रहा बस थोड़े देरी में उसको पछाड़ दिया हम ना चिटकरा। हाँ अच्छा बरम कौन कौन याद है कौन कौन बरम फास हो सब? हाँ हाँ और कौन गरीब रहे ज्यादा? बहुत पेचे है ना बहुत पेचे ना। ज्यादा करके अगर जो चित करके चित करे में देर लगे रहा कि तोरा जल्दी गिरा लेते रहे? हाँ तो उसमें जो आपके बदन में फुर्ती हो ना हाँ तब जल्दी गिरा लेते हैं ना। टेक्निक मांगे ना? जी हाँ हाँ अभी भी कोई हाथ भिड़ा मांगे कर ले? ओ हाँ अभी भी हाँ हाँ एकदम बोले पड़े खिखारे फिर भी नौ जने के मारे। पड़े खिखारे फिर भी नौ जने के मारे पुरानी पुरानी बातें हैं। जी हाँ और आजा हमारे थे वो भी और कुश्तीबाजी किया करते रहे उससे भी हमने काफी सीखा ना। उसके अलावा कुछ वाद्य यंत्र इत्यादि बजा लेते हैं? हाँ जी हाँ भजन वगैरह गाया गजल वगैरह गाया। अच्छा लाइफ रिकॉर्ड अभी बनी है ना तो आजकल तो कमती बजावे है ना। हाँ अच्छा पहले जमाना में कुछ देखो रामलीला इत्यादि होते रहे तो कुछ ताजिया जी आप चले थे? जी हाँ 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 उसमें कुछ याद है कुछ कहानी? हाँ हाँ ताजिया वहाँ पर नरेवा लगता रहा तो उस समय हिंदू मुस्लिम बड़ा और मिलती रहे इन लोग में एक दूसरे हाँ बहुत अच्छा और मिल मिलाप रहा। हाँ कोई जाति भेदभाव नहीं था ना। तो ताजिया जब लगे तो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर वहाँ बनाए बड़ा खुशियाली मनाए और ग्राम में जो फगुआ का मौसम आ गया रामनवमी का तो बराबर साथ दे। आज भी लगभग वही प्रणाली अभी भी है। जी हाँ लोग आते हैं हम देख रहे हैं कि अभी जल्दी बुतवा लेबू में रामलीला हुआ कई लोग आए थे सब जाति के लोग आकर रामलीला देखते हैं। और इधर इस गांव में भी होता है रामलीला इत्यादि? नहीं ना ना रामलीला तो नहीं हुआ रामनवमी कृष्णाष्टमी ये सब? जी हाँ ये सब होता रामायण इत्यादि पढ़ लेते हैं? जी हाँ प्रचारक भी कर लेते हैं ना? जी हाँ भजन सब भजन भी आप गाते हैं? जी हाँ। कोई ऐसी और पुरानी कहानी याद है आपको पहले जमाना के आज वालों बताए रहे? हाँ 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 कुछ कावंडरा की स्टोरी याद है? हाँ कावंडरा का याद है ना। हाँ और बुढ़े पुरनिया बताया करते वहाँ कालिया नाग कृष्ण जी बिगे थे यहाँ पर है ना। और रमणीक द्वीप है फिजी में रौनक है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा रौनक ऑस्ट्रेलिया रौनक है रमणीक ना। रमणीक का अर्थ है कि जैसे कि घूमने गया था। तो जैसे कलयुग लगा वैसे वो फिर वापस चले गया वापस चला गया। अच्छा एक और चीज़ हमें बताया हमने रास्ते से जो राखी से आप ताबुआ की ओर जाओ लेफ्ट साइड एक ओंडरे है उसके कहानी कुछ याद है? ऐसे सुना है और बड़े लोगों से बुजुर्गों से कि एक ओंडरे नाम का था। हाँ। तो उसका एक गैंग था ढेर सागिर्द में लोग उसके थे ना। तो घुमा करे तो देखे कोई अच्छा हट्टा कट्टा आदमी है खूब ना तो उसको पॉइंट कर दे कि इसको पकड़ लाना। तो पकड़ के लेकर आवे तो जितना असली असली माल ये खाता रहा और बाकी बचाता रहा तो आदमी आदमी को खाता हाँ अपने चेला चापड़ों को देता रहा। तो ऐसे करते करते 99 वो खा चुका था और 100 जब आया उसको भी पकड़ा तो सब बगल जानकारी हो गया था आदमी सब बड़ा और उस पर नज़र रखे रहे। तो जो आखिरी 100 जो खाने को चाह ना पकड़ा तो लोग जान गए थे ना कि एक काम इन्हीं का है। तो इसको पकड़ लिए फिर पकड़ के मार दिए फिर ना उसको मारा गया था ना। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे कार्यक्रम में आप आए अपने छोटी सी इस बयान को आपने दिया बड़ा अच्छा लगा। और एक काम करते हैं कि मान लिया जाए अच्छा अंकल अभी हमारे गटई के थोड़ा नस पिरा है तो आप हम कहाँ यहीं बैठी आप कैसे फोड़ियो इसको थोड़ा से?
हाँ यही बैठा के फोड़। अच्छा, हम बैठते हैं और आप इसको थोड़ा हमें बताओ कैसे हमारे कटिंग ना सोच फोड़े आप। तो आप किधर के बैठे, इधर के किधर के? ऐसे ही बैठ जाओ, ऐसे ही बैठ जाओ, ऐसे ही यहाँ नीचे। अच्छा टूट रूट तो नहीं दीजिए? नहीं नहीं, इतना बड़ा बड़ा बच्चन के दो दो महीना बच्चन के हसली उखड़ जाता उनको बैठाता हम। अच्छा, बड़े बड़े बैलन के गटे गड़बड़ा था उनको बैठाता बैल लोग के। हाँ हाँ, हमारे पास है दो तीन ठो। तेल हाथे में बहुत है, तेल है सर ना। खट खट मारे। ये यहाँ सेंटा बच्चे जब छोटा रहे यहाँ खाली रहे तब बगल तेल छोड़ के मिलाए मिलाए जस हड्डी ऐसे जुट जाए बच्चा फिर चलना शुरू कर देता। ओ ये भी एक टेक्निक है जी। हाँ हाँ, आस्ते में ऐसे जाए। हाँ बिल्कुल ना, ड्रा हमारा हाथ उतने घूमेगा जितना पे आउट सब है ना। ओ माय गॉड, इसको आप थोड़ा देरी से ऐसे होइए, हाथ लाए ऊपर ऐसे लगाए ग्रिप लगाए, हाथ से जाए नीचे, हाथ से हाथ नीचे करे और थोड़ा और घूम जाए मेरे वो। अंकल सब फूट पाट गए। फ्रिस्की हो जाए, घूमे ना घूम। ये हाथ हमें दो, ऐसे और बहुत है कमर जो है वो सब अतरत बहुत है ना। आज के लिए एनीवे साथियों, ये सब झरोका में आज आप देख रहे हैं रूबरू, और अंकल राम कुमार जी से हम बातचीत कर रहे थे जी। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे कार्यक्रम में आप आए, अपना कला को आप पेश किया। और अगर जो कोई व्यक्ति ओवरसीज में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अगर जो आपसे संपर्क करें मांगे तो कोई नंबर इत्यादि है, फोन नंबर? जी हाँ है। हाँ, अभी मंगा के लड़की लोग से। ठीक है तो अच्छा, हम कुछ आप लोग के सवैया सुना दें? हाँ जरूर से। हरे ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीना, मोह बढ़े परिवार के संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीना, और काम बढ़े तिरिया संग कीना, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि दीन सुजान के संगत कीना। थोड़ा जाए। अरे हर गले हर गले गले बस वरिया, बस वके खोंग लगी फट गई चोलिया, खुदुर खुदुर खुदे जहल खन वके मटिया, ना बिरह के कोरो बाती ना बिरह के नरिया। अरे सैया है जुआड़ी जुआ खेले सारी रतिया, सैया है जुआड़ी जुआ खेले सारी रतिया, बाजू हारे बंदा हारे हारे सरखे पगिया। हरे मेहरी के मारे मर्द नहीं मरी है, हे भयवा चाहे मारो सारी रात। आल्हा भी है ना? आल्हा भी याद नहीं है? याद नहीं है। बुंदेलखंडी कुछ नहीं, अभी याद नहीं, सब लिखा रखा है ना। चनैनी इत्यादि है? हाँ चनैनी रहा। हाँ सब रखा आजकल उसके से, अब कोई, तो कोई नहीं कहा है ना, दिलचस्पी नहीं ले है तो कहाँ फुकटिया मुँह। चैता इत्यादि कुछ? हाँ चैता मालूम है ना, एक छोटा लग कर दे दे। अच्छी बात। अरे सब 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 बहुत दिन पे याद कराया। गौरा सोए सी जगह रगड़ के भंगिया पिया है। और आप और कोई चैता सब? कोई बात नहीं, याद करते रहो, याद आ जाए तब। हाँ हाँ भी याद आ जाए।
राम चैता महीनवा के अरे दिनवा नवमी हो रामा अरे यही दिनवा यही दिनवा राम लिहिन अवतारा यही दिनवा चैता आतने चैता है। हाँ। चैता तो बहुत सुंदर से बहुत सारे लोग गाते हैं जी। हाँ। कुछ छोटा मोटा हम और सीख ले रहे हैं आप लोग से, जैसे आज सीख लिया एक लाइन जी। हाँ। अच्छा, और कोई पुराना ऐसे गाना होना, वैसे तो गजल उजल भी गावत हुई हो ना जी। हाँ। तो गजल उजल तो बहुत सारे लोग गाए जी। हाँ। लेकिन और पुराना ऐसे कोई पुराना चीज कोई आपके याद है जो गाना में आप थोड़ा सा एक लाइन सुनाए दे। मीरा के एक गजल हम गाया करता रहा, मीरा के। हाँ, सुन ली। मैं घी का दिया जलाऊं रे घर आओ, चैन न दिन भर रात न निंदिया, चैन न दिन भर रात न निंदिया, बिखर गई माथे की बिंदिया, नैनन नीर भर आए रे घर आओ, बड़ी देर से खड़ी सुहागन राह तकती है तिहारी, आओ मन के मित तुम आओ पूजा करूं तिहारी, मैं मन ही मन मुस्काऊं रे घर आओ, मैं घी का दिया जलाऊं रे घर आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में राम कुमार जी से हम बातचीत कर रहे थे। बस अगले सप्ताह एक और रोचक कार्यक्रम हम लेकर आने वाले हैं। साथियों, अपने साथी प्रकाश को आज्ञा दीजिएगा। हम आज राखी राखी से, हमारे साथ में है राम कुमार जी, हमारे कैमरामैन दिनेश कपूर, और साथ साथ में हमारे ट्रिप कोऑर्डिनेटर राजेश की ओर से और सुशील की ओर से। नमस्ते, फिर मिलेंगे। चंस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड फॉर ऑल योर बिल्डिंग वर्क्स, रेनोवेशन, होम, स्कूल, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, स्पेशलाइज्ड इन ऑल बिल्डिंग वर्क्स, आल्सो मैनेज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। दे यूज टॉप क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल्स, ऑल्सो डू सब कॉन्ट्रैक्टिंग, लाइसेंस बिल्डिंग वर्क्स। कॉल प्रेम ऑन 021-026-43-638 या प्रितेश ऑन 022-064-3600। गाड़ी के हर मैकेनिकल नीड्स के लिए अब नाम याद रहे स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड, 58 लेंसफोर्ड क्रेसेंट एवेंडेयर। यहाँ पर वॉफ टायर रिपेयर्स, ऑयल एंड फिल्टर चेंज और जनरल मैकेनिकल वर्क्स होते हैं। डीजल हो या पेट्रोल गाड़ी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हाइब्रिड कार्स की भी फुल सर्विस की जाती है। आज ही डेनी को कॉल करें 02720925688 पर। नंबर एक बार फिर से 02720925688। स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड, 58 लेंसफोर्ड क्रेसेंट एवेंडेयर। For all your construction need, call SSS Construction. Phone number 021-0422-913. Lal's Transport Limited. For all your transport need, call 021-281-286. Fiji se imported fresh vegetables chahiye? Local vegetables, groceries, top quality products, halal meat, goat, lamb ya chicken chahiye? To yaad rahe naam Get Fresh Supermarket. Inki do shakhaen hain, 99 Westney Road, Mangri, aur Get Fresh Otahu, 81 Station Road, Otahu mein. 99 Westney Road मैंगरी में गेट फ्रेश को संपर्क करें 275-7195 पर और ओटोहू में 276-7779 पर। गेट फ्रेश सुपरमार्केट 99 वेस्टनी रोड मैंगरी से आप टेकवेज भी ले जा सकते हैं। ये शॉप सातों दिन खुली रहती है। गेट फ्रेश, ईट गुड, फील गुड। Electrical sales and service for all your electrical need, call 027-243-6721. Electrical sales and service. Alice Solid Plastering. For all your solid plastering need, call 021-705-956. Rainbow's Bin. For all your bins, call 092-599-9992. Rainbow's Bin. देश में 20 या 40 फुट कंटेनर्स के ट्रांसफर के लिए आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, फेयर डील ट्रांसपोर्ट न्यूजीलैंड लिमिटेड। ये ऑकलैंड पोर्ट से ऑकलैंड वाइड कहीं भी आपके कंटेनर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वीकेंड्स में भी ऑपरेट करते हैं। बेस्ट डील्स के लिए आप कॉल करें राजेश को 021-084-4815 पर।
That's 021-084-4815. Fair Deal Transport New Zealand Limited, proud sponsors of Jharokha. अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ. मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड ब्रेथटेकिंग फोटोग्राफ्स. दे ऑफर डीजे वेडिंग वीडियो एंड फोटो पैकेजेस फ्रॉम ड्रोन एंड गिम्बल शॉट्स टू 4K वीडियो शूटिंग फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर और मैसिव वेडिंग. कॉन्टैक्ट मल्टी डीजे. विद ऑल लेटेस्ट इक्विपमेंट दे ऑल्सो ऑफर इजी पेमेंट ऑप्शंस. कॉन्टैक्ट डीजे दिनेश, फोन नंबर 0210584711.